नमस्कार, आज मैं एक कोरमा बनाने जा रहे हैं। आइए देखते कैसे बनता है। हम कोरमा के लिए अंडा उबाल के रखे, इसको मैं पहले छील लेते हैं। ये देखिए, सारा अंडे में छील लिए। इसको मैं थोड़ा सा चाकू से छेद कर लेते हैं। आइए हम अंडा को फ्राई कर लेते हैं। देखिए, अंडा फ्राई हो चुका है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। आइए हम एक कोरमा के लिए मसाला बना लेते हैं। पहले तेज पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची एक, पीपली, लौंग। अब मैं बारीक काटी हुई प्याज डाल रही हूँ। देखिए, प्याज फ्राई हो चुका है। मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन की पेस्ट। मैं हल्का पानी डाल रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा पानी डालें, हल्दी पाउडर, काजू और प्याज की पेस्ट, हरा मिर्ची पेस्ट, नमक डाल दूँ, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला पाउडर, दही, दही फेंटा के रख दिया मैंने, इसको मैं थोड़ा ढाक देती हूँ। ये देखिए, हमारा मसाला भून चुका है। अब मैं इस पर अंडा डाल रही हूँ। अब मैं पानी डाल रही हूँ। अब मैं जो प्याज को फ्राई करके रखी थी, इसको मैं हाथ से
उसको मैं हाथ से क्रश कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको मिक्सी में भी पेस्ट बना सकते हैं। देखिए मैं डालती हूँ, अब इसको हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। अब देखते हमारा कोरमा बना है क्या नहीं, ये देखिए ये कोरमा बन चुका है। अब मैं इसमें कस्तूरी मेथी डाल दूँ, एक कोरमा बन चुका है। अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। लीजिए हमारा एक कोरमा रेडी है। अगर हमारी रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद।